ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਕੰਮ 86% ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਾਂਘਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ। सुबह जब मैं इबादत के लिए आता हूँ कुछ और होता है, दोपहर को आता हूँ कुछ और होता है, शाम को आता हूँ कुछ और होता है, और ऑन द क्लॉक यहाँ पे काम चला है। नहीं देखी इन्होंने गर्मी, नहीं देखी इन्होंने सर्दी, नहीं देखी इन्होंने बारिश। आज सुबह बारिश हो रही थी, जब मैंने उठ के बाहर देखा तो इनकी सारी टीम बारिशों में लगी हुई थी। तो हमारे सिख मजहब में आता है कि सेवा का बहुत बड़ा जो है ना ऊंचा वो है मुकाम है। तो सिर्फ सेवा जो है वो पैसे से नहीं है, पैसा जो सेवा वो हर तरीके से की जा सकती है, जिस तरह पाकिस्तान की सरकार ने की है, जो यहाँ पे टीम काम कर रही है हमारे, वो सारा आंखों पे है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर अतीफ माजिद ने करतारपुर लांघे के दौरान नारोवाल विच यह ऐलान किया। दोवें देशों ने करतारपुर कोरीडोर के रस्ते राही रोजाना 5000 की गिणती विच सिख श्रद्धालुओं नूं करतारपुर साहब के दर्शन लई सहमति जताई है। जो गुरु नानक नाम लेवा है वो बेशक इस रूप में है, वो बेशक दूसरे रूप में है। वो आज पूरी दुनिया का जो सिख है, पाकिस्तान की सरकार को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, प्राइम मिनिस्टर साहब को, और हमारे जो दूसरे बड़े मोहसन हैं जिनका मैं यहाँ पे नाम नहीं ले सकता, उनको हाथ जोड़ के और हाथ ऐसे करके सलाम कर रहे हैं। इस लांघे राही सिख संगतां नूं बिना वीजे दे करतारपुर साहिब दे दर्शन दीदारे कर सकणगियां। हालांकि पाकिस्तान ने प्रति व्यक्ति $20 सर्विस चार्ज रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट द खालस टीवी।